गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एंड दिस इज़ योर इंग्लिश ग्रामर बुक चैप्टर नंबर 3, नाउंस, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउंस. सिंगुलर, वी यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउंस व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. जब हम किसी एक व्यक्ति, एक स्थान, एक जानवर या किसी एक वस्तु के बारे में बात करते हैं तो वो होती है हमारी सिंगुलर फॉर्म. जैसे एग्जाम्पल, हंटर, जंगल, हॉर्स, कोट. वी यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउंस व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन. जब हम एक से ज़्यादा, एक से अधिक व्यक्ति, स्थान, जानवर या किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं तो वो होती है हमारी प्लूरल फॉर्म. जैसे हंटर्स, जंगल्स, हॉर्सेस, कोट्स. नेक्स्ट पेज, ये आपको रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, रूल्स को पढ़ते हैं. फर्स्ट, वी ऐड एस मोस्ट नाउन्स टू टेक देयर प्लूरल फॉर्म्स. हम एस ऐड करते हैं ज़्यादातर मोस्ट में. जैसे कि बॉयज़ का बना दिया हमने बॉयज़, हॉर्स का बना दिया हॉर्सेस. वी ऐड ईएस टू द नाउन्स दैट एंड लेटर्स एस, एस एच डबल एस एक्स और सी एच. जिन नाउन्स के एंड में, यानी कि लास्ट में, जिन नाउन के लास्ट में ये होता है एस, एस एच डबल एस एक्स और सी एच, तो इनको जब इनके लास्ट में ये पाया जाता है तो हम क्या लगाते हैं इसमें, हम लगाते हैं इसमें ई एस. ऊपर वाले में हमने एस ऐड किया, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ई एस. सी पार्ट, वी एड ई एस द मोस्ट नाउन्स दैट एंड इन द लेटर ओ. जिनके लास्ट में ओ होता है उनमें भी हम ई एस लगाते हैं. जैसे टमाटो का बना देते हैं हम टमाटोज एंड हीरो का बना देते हैं हम हीरोज. टमाटोज, हीरो, हीरोज. डी, फॉर द मोस्ट नाउन्स दैट एंड इन एफ और एफ ई. कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो जिनके एंड में एफ और एफ ई आता है, वी चेंज एफ और एफ ई टू वी. तो जहाँ पे एफ आता है या एफ ई आता है तो हम उसको चेंज करते हैं वी में और लगा देते हैं ई एस. जैसे कि ये है वॉल्फ और वॉल्फ को हम कर देंगे वॉल्व्स, यानी कि एफ था और एफ को हमने वी में चेंज कर दिया और ई एस ऐड कर दिया. लीफ, लीव्स. ई पार्ट, फॉर नाउन दैट एंड इन कॉन्सोनेंट वाई. जिस नाउन के एंड में वाई आता है वी ड्रॉप वाई, हम वाई को छोड़ देते हैं और आई ई एस लगा देते हैं. जैसे बेबी का बना दिया हमने बेबीज और लेडी का बना दिया हमने लेडीज. एफ, फॉर नाउन दैट एंड इन वोवल ए ई आई ओ यू प्लस वाई. जिन नाउन्स के एंड में वाई और वाई से पहले एक वोवल होता है उसमें हम एस ऐड कर देते हैं. जैसे बॉयज़, बॉयज़ ये लास्ट में वाई है और वाई से पहले हमारा ओ है और ओ हमारा वोवेल होता है तो इसलिए बॉय का बन जाएगा बॉयज़. और ऊपर वाले में वाई से पहले कॉन्सोनेंट था इसलिए वाई को हमने चेंज कर दिया था आई में, आई ई एस ऐड कर दिया था इसमें हमने, और इसमें हमने आई एस में चेंज नहीं किया क्योंकि वाई से पहले इस बार कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवेल है. जी, Not all nouns follow these rules. Some have completely different plural forms. कुछ nouns ऐसी होती हैं जो ये rules follow नहीं करती हैं और बिल्कुल different होती हैं. होती हैं जैसे कि हम लिखते हैं child को children, mouse को mice, goose को geese, man को man, woman man, woman को woman, ox को oxen. तो ये रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, इनको हम ऐसे ही चेंज करते हैं. जैसे आपने देखा होगा टूथ को हम टीथ लिखते हैं, टी डबल ओ टी एस टूथ, और टूथ को हम लिख देते हैं टी डबल ई टी एस टीथ. फुट, एफ डबल ओ टी फुट, फुट को हम क्या लिखते हैं, एफ डबल ई टी फीट, जब हम उसको चेंज करते हैं प्लूरल फॉर्म में. नेक्स्ट, एच, अ फ्यू नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. कुछ नाउन्स हमारी ऐसी होती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहती हैं, जिनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं. जैसे कि शीप, शीप, डियर, डियर, फ्रूट, फ्रूट, फिश, फिश.
ये एक जैसे रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होते हैं, तो ये लर्न करने का है आपका। और इसका बुक वर्क की आपको PDF सेंड हो जाएगी, और इसका बुक वर्क आपने अपनी नोटबुक में, सॉरी बुक में फिल करना है।